इसलिए अखिल जो रसामृत मूर्ति संपूर्ण द्वादश रस में जो परिपूर्ण है वो भगवान कृष्ण ही है। इतने में मैया पार्वती बोली, फिर प्रभु भगवान कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती, भगवान कृष्ण का नाम बड़ा मीठा नाम, बड़ा मधुर नाम है। तभी से मैया पार्वती क्या करती है, भगवान कृष्ण का नाम जप करती थी। जब कुछ दिन पार्वती ने कृष्ण नाम को जप की, एक दिन शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा, ये बात अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं, मेरे दिल की बात है। बोले प्रभु क्या बताओ? बोले देखो पार्वती, ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले आप भी तो कुछ दिन पहले बता रहे थे ये कृष्ण सोलोकला में परिपूर्ण है, इनसे कोई बड़े नहीं, और सारे रस का ये मूर्तिमान सब आप ही तो बता रहे थे, फिर आप बता रहे हो कृष्ण से भी एक श्रेष्ठ नाम है। कहते मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कृष्ण स्वयं ये बात उन्होंने चंद्रमा को बताया। बोले क्या बताए? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतमम जकरोति सदा राधा ना जाने महिमा की उत्तम। ये शंकर जी ये चंद्रमा को कह रहे हैं। बोले चंद्रमा, अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले लो और एक बार केवल श्री राधा रानी का नाम ले ले तो मेरे 100 नाम के बराबर एक बार श्री राधा रानी का नाम। ये कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण स्वयं, ये बांके बिहारी स्वयं कह रहे हैं चंद्रमा को, मेरे 100 नाम के बराबर एक बार श्री राधा रानी का नाम है। बोले जय जय श्री राधे, जोर से बोलो, कोई हाथ नहीं उठाने, कहती है प्रभु फिर तो आज से श्री राधा रानी का ही नाम लो, क्योंकि एक बार राधा का नाम सवार कितना कृष्ण का नाम है 100 बार, फिर तो श्री राधे 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 नाम लेनी चाहिए। शंकर जी बोले पार्वती यहाँ पर भी एक रहस्य की बात है। बोले फिर क्या रहस्य की बात है? आप तो बताए कृष्ण का 100 नाम समान एक राधा रानी का नाम, हम तो वही करते हैं ना जो करने पर ज्यादा फल मिलता है, फिर तो आज से हम राधे 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 राधा नाम लो। बोले पार्वती इसमें ये रहस्य है। बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे रटो चले। कौन आएगा? बिहारी। क्या राधा रानी नहीं आएगी? बोले राधा रानी नहीं आएगी, क्योंकि राधा रानी का नाम से बिहारी वहां पर आते हैं। बोले फिर? बोले तुम जब बिहारी बिहारी बोलोगे ना, फिर वहां पर से राधा रानी आएगी। बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिए, अभी बताओ राधे राधे बोलो ना, कृष्ण कृष्ण बोलो। शंकर जी कहते पार्वती ये दोनों का नाम लेनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी का नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न होती है, इसलिए जुगल नाम लेनी चाहिए, दोनों का नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे लेनी चाहिए? देखो शंकर जी कहते हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले यहाँ तो राधा रानी का नाम है ही नहीं, क्या हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम है, इसमें राधा रानी का नाम कहाँ है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, आप लोग तो संस्कृत पढ़े ही नहीं, कोई संस्कृत पढ़े हो? थोड़ी बहुत कोई संस्कृत तो पढ़े ही नहीं, आप लोग सुन लेते हैं भूल गए, इसीलिए जो संस्कृत पढ़ते हैं उनका उनको थोड़ा पता है। ये जो मूल शब्द जो हरे, ये राधा रानी का नाम है, इसका जो मूल शब्द ये हरा शब्द है,
जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, आप तो संस्कृत को जानते नहीं, पढ़े नहीं, वो संबंध ने हरा मतलब होता है अपना प्रेम भक्ति भाव को द्वारा कृष्ण का मन को जो हरना करती है कभी हरा नहीं। लेकिन जब उसको संबोधन हो जाता है हे हरे मतलब हे राधिके, और कृष्ण मतलब कृष्ण है, हैं? फिर उसमें जो हरे राम आया, हरे का मतलब तो हो गया ना नारायणी, फिर ये राम राधा जी को साथ में श्याम होनी चाहिए ना, फिर राधा जी को साथ में ये राम भी जागे। बल्कि ये महामंत्र में जो राम अक्षर है, जो राम शब्द है, वो कृष्ण के लिए है। ये दशरथ नंदन अयोध्यापति जो राम है उनका नाम ये महामंत्र में नहीं, इसमें केवल कृष्ण का नाम इसमें। बोले जैसे बोले बोले जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सबको मुक्ति प्रदान करते स्वयं भोले बाबा। माता पार्वती देखो गोस्वामी जी कहते हैं भले साहसना मासुनी प्रिय बानी जापी जय प्रिय संग भवानी। मां पार्वती भी इसी मंत्र को जप कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं जब शंकर जी से उन्होंने भगवान के नाम की महिमा सुने, माता पार्वती भी इस महिमा नाम को जप करते हैं। हमारे श्री हनुमान जी भले सो मेरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे राम।
इसलिए स्वयं हनुमान जी क्या कहते हैं, बल सुमिरी पवन सुत पावन नामो आपन बस कर राखे रामो। हनुमान जी दिन भर भी यही भगवान के नाम को रटना लगाते हैं। बोले भैया गणेश जी की पहला पूजा क्यों हो रही है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। बोले क्यों, कारण क्या? इसकी दो कथा आती है। पहला कथा आती है, बोले एक समय सारी देवता में मीटिंग हुई, बोले सबसे अगर पूजा किसको होगी, सबसे पहला पूजा किसको होनी चाहिए। सारे देवता 33 करोड़ देवता में, बोले उनकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, ये पृथ्वी को परिक्रमा करके जो पहला जाएगा। देखो अगर कहीं आपको कहीं यूरोप की अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, है कितना बड़ा बात है। अगर कोई संपूर्ण भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, अगर संपूर्ण पृथ्वी का प्राइम मिनिस्टर हो, कितना बड़ी बात। लेकिन सारे 33 करोड़ देवता में कौन प्राइम, सबसे पहला पूजा किसकी होगी, कितना बड़ी बात है। इतने में स्वयं ब्रह्मा जी हंस वाहन होकर बैठ गए, चल पड़े जल्दी जल्दी, और कार्तिक हैं मयूर वाहन होकर बैठ गए, जल्दी चल पड़े। क्यों? जो ये पृथ्वी को सबसे पहले परिक्रमा करके आया उसकी पहले पूजा होगी। इतने में गणेश जी चुपचाप बैठे हुए, गणेश जी का वाहन कौन है, गणेश जी का वाहन कौन है, जुहा। अभी गणेश जी भाई कहा जाएंगे जुहे को लेकर के। इतने में सिर्फ नारद जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात है। नारद जी ने कहा देखो, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। एक काम करो, भगवान से बेटर इनका नाम, भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम लिखो, उसको 3 बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि भगवान से बड़ा हरि का नाम है। वो तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे पता नहीं कितने दिन में, लेकिन भगवान के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में, तुम्हारी 3 बार परिक्रमा लो, तुम्हारा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का 3-3 बार परिक्रमा हो जाएगी। सारे देवता कोई साल में कोई 2 साल में आपते आपते आए, हसीना बह रहे, मीटिंग हुआ, सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, किसने कहा मैंने परिक्रमा, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, लड़ाई हुई। श्री गणेश जी बोले चुप रहो, कितने सालों में एक बार परिक्रमा करके आए, मैं तो 1 मिनट में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने 1 दिन में 1 मिनट में मेरी परिक्रमा की। सारा दुनिया ठा लगा कर घसे, गणेश बाप इसका चूहा बाहर एक जगह में बैठे, सारा दुनिया की परिक्रमा लगाई। इतने में उन्होंने नाम की महिमा को जब गाए, बस जय जयकार गणेश जी हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले माही मजा सो जान गन राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी की पहले पूजा क्यों हो रही है, गोस्वामी जी कह रहे महिमा जासु जान धन राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। केवल नाम के प्रभाव से पहला पूजा हो रही है। मेरा की पूजा क्यों हो रही है, तुलसीदास की पूजा क्यों हो रही है, सबकी केवल एक कारण है, नाम की महिमा से। इसलिए क्या करनी चाहिए बताओ, तो भगवान की नाम को हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसे सबसे जो श्रेष्ठ नाम है श्री राधा रानी का नाम है। और ये जो कली युग का जो महामंत्र है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर बेटी गाई Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Thank you.